अब देखिए जहां तक इब्न अरबी का ताल्लुक है, हमारे यहाँ ये दो ऑपोजिट पोल्स मिलते हैं बुजुर्गों में। एक इंतहा पर इब्न तैमिया है रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस तरह समझा है, इस तरह उतरता है अल्लाह, जैसे मैं ये मेंबर से उतर रहा हूँ, ये ज़्यादती है। लेकिन बहरहाल एक फिक्र, एक सोच है। कुरान और हदीस के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम। दूसरी इंतहा पर इब्न अरबी हैं, जिनका फलसफा मैंने आपको बताया। तमाम सूफिया इब्न अरबी को शेख अकबर कहते हैं, अशेख अकबर, और सिर्फ अशेख कहेंगे, दी शेख, तो उससे मुराद इब्न अरबी होगा। और इब्न तैमिया उन्हें कहते हैं जिंदीक, मुल्हिद। ये दो इंतहाएं हैं। हमारे यहाँ जो आमतौर पर अहले हदीस हजरात हैं, वो इब्न तैमिया के फॉलोअर्स हैं इन अकाइद में। उनके यहाँ तसव्वुर क्या है, अल्लाह ताला हर जगह अगर है तो सिफाती एतबार से, ज़ाती एतबार से नहीं। वो तो अपनी जगह अर्श पर है, सातवें आसमान के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर कुर्सी है, कुर्सी पर वो है। अब इसमें एक तरह की तजसीम भी आ गई, महदूदियत भी आ गई। इस कायनात में तो अल्लाह है ही नहीं, तो फिर अल्लाह महदूद हो गया ना, वो तो किसी खास जगह पर हो गया ना। एक तस्वुर ये है। और आम आदमी ये भी समझे तो ठीक है, उसे ये मालूम रहे कि अल्लाह ही राज़िक़ है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मुसीबत से निजात दिलाने वाला है, अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ही हाजत रवा है, अल्लाह ही, ये बस उसे मालूम हो, तौहीद मुकम्मल हो गई। लेकिन फलसफा कुछ और शय है, फलसफा कुछ और सवालात पैदा करता है। जैसे मैंने कहा है, सिफात ज़ात हक, हक से जुदा या आयन ज़ात, अब ये फलसफा है। सिफात बारी ताला अगर कदीम है सिफात, तो ये गुस्सा, ये तो कदीम नहीं हो सकता, गुस्सा तो किसी काम पर आया, खुशी तो किसी काम पर हुई है, कदीम कैसे होगा? तो ऐन या गैर, ला ऐन वला गैर। और जिसकी मैं ताबीर करता हूं कि मिन वजहिन ऐन उसात व मिन वजहिन आखर गैर उसात। अब इस सिलसिले में अल्लामा इकबाल ने जो बात कही है, जो प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती मरहूम ने मुझे बताया था कि इंतकाल से सिर्फ 3 माह कबल ये अशार कहे, वहदतुल वजूद के, पैंथीइज्म के, दोनों के शदीद मुखालिफ थे अल्लामा इकबाल शुरू में। इसीलिए वो हाफिज को भी बहुत बड़ा गुमराह कुन शायर समझते थे, इसलिए कि वहदतुल वजूद के आमियाना अंदाज में जो है वो शायरी में जब उसको आ गया है, तो आवाम के ज़बान पर जब चढ़ा है, तो वो उसके डांडे पैंथीइज्म से मिल गए, आवाम के अंदर उसका तस्वूर ये हो गया। लेकिन आखिर में उन्हें भी आना पड़ा है, तो ए नादान दिले आगाह दरियाब, ए नादान, वो दिल तलाश कर जो आगाह हो, हर चीज से वाकिफ हो। ला मौजूदा इल्लल्लाह दरियाब, ला मौजूदा इल्लल्लाह, वो जो मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह के 3 लेवल्स है, ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मुताअ इल्लल्लाह, ला हाकिमा इल्लल्लाह, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, ला राज़िक़ा इल्लल्लाह, ला खालिक़ा इल्लल्लाह। और दूसरा लेवल ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह। और तीसरा लेवल ला मौजूदा इल्लल्लाह। हमारे टॉप के फलसफी और सूफिया इस ला मौजूदा इल्लल्लाह पर पहुंचे, और 12वीं सदी के मुजद्दिद आज़म शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसमें कौल फैसल कहा कि मुहीउद्दीन इब्न अरबी की वहदतुल वजूद और शेख अहमद सरहंदी की वहदतुल शऊद में बारीक सा फ़र्क है ताबीर का, वरना वो एक ही है। और उसको उन्होंने उन्वान दिया तौहीद वजूदी। हिंदुस्तान में हमारे बड़े टॉप के शायरों में से थे अब्दुल कादिर बेदिल, फारसी के। उस वक्त तक अभी उर्दू का वजूद ही नहीं था, उर्दू थी नहीं हिंदुस्तान में उस वक्त। तो शेख अब्दुल कादिर बेदिल जो है वो वहदतुल वजूद के बहुत बड़े कायद थे। और उनकी अजमत का आलम यह है कि गालिब कहता है तर्ज बेदिल में रीख्ता लिखना असदुल्लाह खां क़यामत है कि बेदिल के अंदाज में उर्दू में शायरी करता। उन तो फारसी में की, उर्दू को रीख्ता कहते थे पहले, ये नई जबान जो बनी थी रीख्ता, तर्ज बेदिल में रीख्ता लिखना असदुल्लाह खां क़यामत है। लेकिन वो असदुल्लाह खां भी ये कहते हैं जारो बे ला बेयार के ई शिर्क फिल वजूद बागर्द फर्श सीना बा बराबर अस्त। देखो अगर तुम्हारे सीने के अंदर शिर्क फिल वजूद शामिल है, ये भी है वो भी है ये भी है वो भी है, वजूद मुतअद्दिद है, खुदा का वजूद अलहदा है, हमारा वजूद अलहदा है, तो ये गर्द के मानिंद है जो तुम्हारे सीने के ऐवान पर जो तख्त बिछा हुआ था उसके ऊपर गर्द पड़ गई है। इस गर्द को जारोब ला, ला ला मौजूद है इल्ला ला, जारोब ला, ला की झाड़ू से लाकर साफ कर दो। जारोब ला बेयार कहीं शिरक फिल वजूद, वजूद दो मान लिए तो शिरक हो गया, वजूद एक ही। अलबत्ता जब तायीन हो गई किसी शय की वो वजूद मुख्तलिफ है, ज़ात बारी से अलग। बहरहाल ये मबाहिस हैं इस आयत मुबारका से मुताल्लिक़, और मैंने आपके सामने सारी बात रख दी। ना मैं किसी का मुबल्लिग़ हूँ, ना ये दीनी मसला है, ये फ़लसफ़े का मसला है। अब फ़लसफ़े में बहुत से मसाइल ऐसे पैदा हो गए, साइंस के मसाइल हैं कि जो किताब व सुन्नत या कम से कम हदीस की बात चीज़ों से टकराते हैं, अब उसमें आदमी गौर करेगा, सोचेगा। इसी तरीके से ये फ़लसफ़े के मसाइल हैं जो हमेशा से जिन पर काम हो रहा है। लेकिन ये दीन जो है वो शरीयत और तरीक़त का नाम है, हकीकत को छोड़ दो। हकीकत जो है बस है। तुम सूरजमुखी के फूल बन जाओ, तुम्हारी तवज्जो हर वक्त अपनी उस ज़ात जो जिसने तुम्हें पैदा किया है, हकीकत वही है। लेकिन सूरजमुखी के फूल बन जाओ, लेकिन इसे आप गलत कहें मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन यह कि एक शख्सियत को मैं ऐसे से वाकिफ हूँ जो अहले हदीस भी कट्टर थे और सूफी भी बड़े थे। ये जो हमारे यहाँ मशहूर है गजनवी ख़ानदान, मौलाना अब्दुल्ला गजनवी आए थे और वो अपने तसव्वुफ़ की बाज़ आरा की वजह से और बाज़ अपनी अहले हदीसियत की आरा की वजह से अफ़गानिस्तान से निकाल दिए गए थे, गजनी से निकाल दिए गए, तो अमृतसर में आकर आबाद हुए। उनकी औलाद है यह गजनवी ख़ानदान। उनमें मौलाना दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह से मेरा बड़ा क़ुर्ब रहा है। उनके फिर बेटे थे अबू बकर गजनवी, वो मारूफ है, काफ़ी लोग उनसे वाकिफ़ होंगे। दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ये दो मुतजाद चीज़ों का मजमुआ थे, तसव्वुफ़ भी और अहले हदीसियत भी। आमतौर पर अहले हदीस की सारी तवज्जो ज़ाहिर पर रहती है, वो बातिन में झांकते ही नहीं, अंदर नहीं जाते, फलसफे से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन फलसफा और तसव्वुफ़ के जुड़े हुए आपस में चोली दामन के साथ है। उन्होंने एक दफ़ा मंडुमरी में, जो अब साहिवाल कहलाता है, आकर तकरीर की। अहले हदीस मस्जिद थी, मैं भी गया हुआ था सुनने के लिए। उन्होंने वो अहले हदीस नौजवानों से कह रहे थे कि देखो तुम अपने मसलक पर कायम रहो, हम गैर मुक़ल्लिद हैं, हम किसी के मुक़ल्लिद नहीं है, ना अबू हनीफा के ना मालिक के, लेकिन कभी भी इन आइम्मा की तौहीन न करना। ये हमारे आम नौजवान जो कहते हैं अबू हनीफा को क्या पता था, अबू हनीफा के पास तो इल्म ही नहीं था, अबू हनीफा तो जो है इल्म हदीस में कोरे, ये तौहीन के अल्फाज का भी इस्तेमाल न करें। अच्छा, इस वास के साथ उन्होंने मिसाल दी कि देखिए शेख मुहीउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के सबसे बड़े मुखालिफ शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह थे, दोनों के लिए रहमतुल्लाह अलैह कहा। मैं हैरान हो गया, ये वहाबी आदमी कट्टर वहाबी अहले हदीस और ये शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह कह रहा। खैर, मेरे दिल पर भी असर हुआ कि बड़ी वसअत है इनके फिक्र और नज़र में। मेरी अहलिया के चचा थे, उनके एक बेटे, सबसे छोटे बेटे, यहाँ मजमे में मौजूद भी हैं, शेख फजल रहमान मरहूम। उनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे। ये जो ख़ानदान गजनवी ख़ानदान से, उन्होंने शाम को खाने पर बुलाया, मुझे भी बुला लिया, मैं उनका दामाद ही था ना। तो वहाँ मैंने कहा कि हजरत आपने शेख इब्न अरबी के साथ रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज इस्तेमाल किए, जबकि इब्न तैमिया ने कोई शरई गाली छोड़ी नहीं है उनके लिए, जिंदीक, मुल्हिद, और आप अहले हदीस हैं, ये कैसे हुआ? मैं उनकी अजमत का कायल हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे डॉक्टर साहब ये दोनों हमारे बुजुर्ग हैं, हम खुर्द हैं, आपस के इख्तलाफात वो जाने, हम छोटे हैं, खुर्द हैं, खुर्द रहने ही में आफियत समझते हैं, हमारे लिए दोनों मोहतरम हैं। और मस्जिद में उन्होंने एक मिसाल बयान की थी कि शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने शेख इब्न अरबी के बारे में अपने मकतूबात में लिखा है, माजुल्ला बरदार खान ईशानम लाकिन चकुनम मामला सिफात बारी तालास्त, कि हम शेख इब्न अरबी के दस्तरखान के झूठे टुकड़े खाने वालों में से हैं। कौन कह रहा है? मुजद्दिद अल्फ थानी कह रहा है, माजुल्ला बरदार खान ईशानम, उनके दस्तरखान के सूखे जोड़े हुए झूठे टुकड़े खाने वालों में से हम हैं। लाकिन चेक करो, लेकिन क्या करें, मामला से बात बारी ताला, ये बारी ताला की सिफात का मामला है, हमें इख्तलाफ करना पड़ रहा है, इख्तलाफ हम कर रहे हैं, लेकिन हम उनके दस्तरखान के झूठे टुकड़े खाने वाले। ये कह रहे हैं शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में मशहूर है कि इब्न अरबी का या तो मुखालिफ अव्वल इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, और या फिर मुखालिफ दोम जिसने जवाबी फलसफा पैदा किया वो शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये है कि इन चीज़ों के बारे में अपने सीनों को वसअत दीजिए, आप इब्न अरबी के रबात को छोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, लेकिन तौहीन न कीजिए, उसको खामखा कुफ्र से ताबीर न कीजिए। ये चीज़ें जो हैं, और फिर हमारे सारे सूफिया जो उसके कायल हैं, फिर उनसे बदजनी हो गई। मैं सिर्फ इसलिए कि वो बदजनी और दिली नफरत का मामला ख़त्म हो जाए, मैं ये सारी बहस इसलिए किया करता हूँ, वरना मेरे आम दुरूस में इन मसाइल पर गुफ्तगू नहीं होती। बड़े गहरे मसाइल हैं और उनका समझना आम लोगों के लिए मुमकिन भी नहीं है, बल्कि आम आदमी के ये जिसको कहते हैं ना होशदार, होशदार के रह बरदब तेगस्त कदम रा, होशियार रह जाओ, ये तुम जो चल रहे हो ये तलवार की धार की तरह का रास्ता है, काट के रख देगा तुम्हें। जैसे हम कहते हैं पुल सिरात जो है वो बाल से ज्यादा बारीक होगा और तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा, जिस पर से गुजरना है कयामत में। ये कहावत है।